done on screen and she's created magic. मैंने बहुत बार देखी और अभी भी मैं इतनी एक्साइटमेंट से देख रही हूँ क्योंकि पापा ने डायरेक्ट किया है, मेरी बहन की फर्स्ट मूवी है, तो आई एम जस्ट वेरी इमोशनल रहना. फिल्म की बात करें तो किस टाइम रिवॉल्व होती है? फिल्म रिवॉल्व होती है एक विधवा होती है जिसकी शादी की जाती है, उसकी लाइफ है. मुझे ऑलवेज पता था कि शी किल इट, क्योंकि वो है ही ऐसी, बहुत सिंसियर है, बहुत ही ईमानदारी से काम करती है एंड शी एक्सीडेड ऑल दोज एक्सपेक्टेशंस. शी इज किल्ड, वो परफेक्ट है ये मूवी में, आप खुद देख के बता दो मुझे. बहुत ही अच्छा काम किया है सब ने, बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हाउ दिस मूवी इज टर्न्ड आउट. आज गऊ का दिन है, आज मैं मेरे प्रोजेक्ट में बात नहीं कर रही, सॉरी. बहुत ही प्राउड मोमेंट है, स्पेशली जब मैं अंदर बैठ के तालियां सुनती हूँ, सीटी सुनती हूँ, यस गऊ यस पापा. मैं पापा को कॉम्प्लीमेंट, मतलब पापा ही मुझे कॉम्प्लीमेंट दे तो बड़ी बात है, पर पापा ने तो बहुत ही अच्छा डायरेक्ट किया है. आपने देखी मूवी? नहीं, आप देखेंगे तो देख लेंगे. और गऊ तो परफेक्ट है मूवी. प्लीज़ देखो ये मूवी, मेरी सिस्टर की मूवी है और उसने बहुत ही अच्छा काम किया है. मूवी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ गो वॉच. थैंक यू. पोटेंशियल तो काफ़ी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो आई एक तो चीज़ कह सकता हूँ कि नोबडी विल बी डिसअपॉइंटेड फिल्म देख, इतना जानता हूँ. अभी यही बोलता हूँ मैं ऑडियंस को कि तुम एक्सपेक्टेशन लेके आओ, ऐसे भी नहीं बोलता कि कम एक्सपेक्टेशन लेके लेके आओ, तुम्हें अच्छी लगेगी. नहीं, इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर बताने जाऊँगा तो आई विल गिव अवे द फिल्म. तो इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप बदलते बदलते एक अलग लेवल पे जाते, हाउ लव मैटर्स, लव यानी जो मैन वुमन लव के बियॉन्ड भी एक लव है विच मैटर्स. सर, इस जनरेशन में लव बहुत ही इजी हो गया है, उस चीज़ में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कुछ नहीं है, ये जनरेशन भी अभी होशियार है, हर विद टाइम डेफिनेट थिंग्स विल चेंज, बट ऐसे नहीं, लव तो लव है. फिल्म भी देखो ना, ये मूवी पहले फ्रेम से ही दिल पे छा गई है. पांगरुन इज सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिल्म, मतलब ये ऐसे नहीं कि अभी वो लेके जा रही है, मतलब आई एम विद द फिल्म, विद द स्टोरी, विद द कैरेक्टर. तो कमाल की फिल्म बनाई है महेश ने. पांगरुन, पांगरुन का हम लोग मराठी में जो हम ओढ़ लेते हैं ना सोते वक्त, जो क्या कहते हैं गोदड़ी या जो भी हो, उसे पांगरुन कहते हैं. तो दैट विच कवर्स यू, दैट विच प्रोटेक्ट्स यू, दैट विच कीप्स यू वार्म एंड कोजी सेफ, वैसे वो पांगरुन. तो ये दिस फॉर मी ऐसे लगा कि एक इतर की छोटी सी पुरानी कबर्ड में किए होती है ना, छोटी सी बोतल जैसे खुलते ही कहाँ से खुशबू आए, वो जो खुशबू होती है मंद ब्यूटीफुल, वैसे लगती है मुझे फिल्म. ब्यूटीफुल फिल्म. स्टोरी, स्टोरी एक तो पहले बाबा बोरकर जो हमारे मराठी के बहुत ही जाने माने, मतलब ग्रेट साहित्यिकों में से हैं, उनकी कथा है जिसके ऊपर महेश इंस्पायर होके महेश ने ये फिल्म बनाई है. और स्टोरी का क्या कहा तुमके, क्या ये नहीं, ये फॉर मी दिस इज एक कहते हैं ना, इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ इनोसेंट पीपल कॉट इन अ सिचुएशन जहाँ पर, मतलब हर एक की जिंदगी में एक पैथॉस है, एक कारुण्य कहते हैं मराठी में हम लोग, पैथॉस का एक अंडरलाइन करंट है इसमें. बहुत ही खूबसूरत ऐसे वेरी सॉफ्ट अनफोल्ड होने वाली लव स्टोरी है, बिल्कुल जिसमें सभी के सभी निष्पाप कहते हैं ना, इनोसेंट है, ऑल कॉट अप इन अ सिचुएशन. सर, लव स्टोरी
अगर इसकी बात करें तो आज के जनरेशन में लव काफ़ी ईजी हो गए, काफ़ी यू नो एकदम फटाक से मिलने वाली चीज़ हो गई, तो आप उसके ऊपर क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? ये तो हमको लगता है कि फटाक से होती है, अब आजकल के बच्चों के जनरेशन के स्पीड के हिसाब से वो फटाक से नहीं है, हमारे लिए फटाक से है ना। सो आई थिंक इट्स फाइन, एवरी जनरेशन हैज़ देयर ओन स्पीड ऑफ फॉलिंग इन लव, यू नो लविंग समबडी, अलग अलग स्टाइल्स हैं, हमारे ज़माने का और भी, हमारे पिताजी के ज़माने का और भी स्टाइल अलग। तो आई विल नेवर बी जजमेंटल इन दिस, बिकॉज़ लव इज़ लव, एक वो तो कॉमन फैक्टर है, तो बस और क्या चाहिए फिर। एवरी वन, हर एक को, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मराठी ऑडियंस को ही, जितना भी बड़ा ऑडियंस है ना उस ऑडियंस के सामने ये फिल्म जानी चाहिए, नॉट ओनली फॉर इट्स सिनेमैटिक वैल्यू, इट इज़ अमेजिंग फोटोग्राफी से लेके ये, लेकिन परफॉर्मेंसेज देखो फिर, ये ऐसी कथाएँ आजकल नहीं बनती, ऐसी फिल्में नहीं बनती, लेट इज़ बी ऑनेस्ट। ये फिल्म अगेन इट मेक्स यू फील सो नाइस एंड प्राउड ऑफ बिलोंगिंग टू सिनेमा, इंडियन सिनेमा। थैंक यू सो मच।